चली जाएगी। फिर उसने अपना गुरुदेव बृहस्पति के पास में गए, बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, बोले भैया मैं नहीं कुछ कर सकता, बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी बोले सर्वनाश तुमने कर दी। ये ऐसे एक देवता है कृष्ण है, तो सबके सब जिनके चरण में जाकर के ना कर गए, मैं भी कुछ दिन पहले बुरी तरह से फंस गया था, बोले आप भी फंस गए थे, बोले कैसे, बोले जब कृष्ण उन्होंने अघासुर को वध की, सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार दिए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जयकार धीरे 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 ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी सोचे भैया ब्रज में इतने जय जयकार क्यों हो रहे हैं। इतने में उसने नीचे उतर करके देखा, कृष्ण का उम्र केवल 5 साल का था। उसने विशाल बड़े राक्षस जिसको देवता लोग भी डरते थे, कृष्ण उसको वध कर डाला। फिर जब उसको मुंह का अंदर से आए और एक आश्चर्य चीज देखा, उसका ब्रह्मतल फट गई, एक ज्योति आकाश में भ्रमण कर रहा था। कृष्ण जब अंदर से आए तो ज्योति कृष्ण का शरीर में समा गया। ब्रह्मा सोचे ये देखो, ये ब्रह्मा ज्योति भी जिनके शरीर में समा गया। इतने में कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे, सारे सखा देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में, सबके सब सखा। इतने में कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे। ब्रह्मा तो नारायण का भक्त है, भगवान का तो भोग तो बड़े सावधान से बनाया जाता। अरे कृष्ण हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का प्रसाद सब भक्त पाते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों का प्रसाद भगवान पा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी चकरा गए, ये कैसे भगवान, ये तो सबका सबका झूठन घा रहा है। फिर सोचा आगे थोड़ा लीला दर्शन करूं। उसने कृष्ण का जितने सारे सखाओं को उन्हें चोरी कर ली, जितने बछड़े को उन्हें चोरी कर ली। सखाओं ने देखा कन्हैया हमारे सारे बछड़े कहां चले गए, भले हम सबके सब ढूंढने जाते हैं। कृष्ण बोले नहीं तुम बैठो मैं देखता हूं। फिर जब उनको ढूंढने के लिए गए, इधर सखाओं को भी उठा करके ले गया ब्रह्मा, लेकर के गुफा में बंद कर दिया। इतने में देखा मेरे सखा कहां चले गए। इतने में जोग माया ने स्मरण कराया, बोले प्रभु आपको ये लीला की रहस्य ये ब्रह्मा समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बछड़े और सखा को चोरी की। इतने में कृष्ण जैसे सखा और बछड़े थे, एकदम ठीक वैसे ही अपना शरीर से कृष्ण प्रकट की और कृष्ण को स्वयं स्वयं को साथ में लीला कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ये काम करके जब ब्रह्मलोक में गए, वो जाने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए, वहां पहुंच गए। जो वहां दरबार थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए घुसने मत दिया कर। जब ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, वहां के जो चौकीदार थे ना, ब्रह्मा का जो नौकर थे, वही डंडे लेकर के ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। बोले प्रभु तो सही बता रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रुपया, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे, ये कहां से आ गया। इतने में ब्रह्मा तो उनको पता था कुछ तो गड़बड़ी करके आया हुआ। इतने में ब्रह्मा को जब वहां से भगाए, ब्रह्मा तो डर के मारे भैया कौन बैठ गया, देखा उनकी प्रभु ही बैठ गए। फिर ब्रह्मा जल्दी से जल्दी वहां से लौटा, हो गया इसी जगत में 1 साल। फिर देखा 1 साल पहले जैसे कृष्ण लीला कर रहे थे, अभी भी प्रभु ऐसे लीला कर रहे थे। फिर ब्रह्मा चकरा, बोले भैया ये क्या है, क्या मैंने जिनको छुपाया था कृष्ण ले आए फिर देखने के लिए गए, बोले नहीं ये सबके सब सो रहे मोह निद्रा में। ब्रह्मा जी सोचा भैया ये सच ना ये सच है, 1 साथ में 4 सर है, इधर दो सर देकर जब देखे, कृष्ण ने कहा देखो ये जितने सखा बछड़े और कोई नहीं, मैं स्वयं बना। ब्रह्मा जी को पता एक ही नारायण जिनकी नाभि कमल से मेरी सृष्टि, यहां पर तो अनंत करोड़ नारायण को देखा। आप ब्रह्म स्तंभ जहां नेत्र पड़े सब नारायण 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 अनंत कोटि नारायण, सारे बछड़े सखे। ब्रह्मा समझ गए ये कोई नहीं, ये मेरे पिताजी की पिताजी, मेरे पिताजी की पिताजी है। ब्रह्मा ये चीज समझ गए। देखो
कि जो ब्रह्मा जी कौन है, ये हमारे आदि गुरु है, ये हमारे आदि गुरु है। ब्रह्मा का एक नाम है ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा का मतलब क्या, बोले ब्रह्मा एव सर्वविद भवेत। ब्रह्मा का मतलब है जो सब जानते हैं। अभी प्रश्न है, एक देवता भी सब जान लेते हैं, एक भूत भी सब समझ जाता है, लेकिन क्या ब्रह्मा ये सब लीला क्यों किए? फिर ब्रह्मा जी इतने गड़बड़ी क्यों किए? कहते ये कृष्ण की इच्छा है। बोले कृष्ण की क्या इच्छा है? कृष्ण की बहुत सारी इच्छाएं थी। अभी कृष्ण ने देखा, मैं तो अपना भक्तों को द्वारा ही सब इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। बोले पहला इच्छा किया था, बोले पहला इच्छा था जब कृष्ण मैया जसोदा की गोद में बैठे करके दूध पीते थे, सारे ब्रज गोपियां जितने मातृस्थानीय गोपियां, इनके मन में इच्छा होती थी क्या कृष्ण का भी हमारा बच्चे बनकर दूध पिए। ये एक कारण है। जब कृष्ण मैया का दूध पीते थे, जितने सब गैया है वो साधारण नहीं, कभी ब्रह्मा गरुड़ जितने वेद के ऋचाए ये सब गैया बनकर के ब्रज में आए, इनके मन में भी इच्छा होती है क्या कभी हमारा सौभाग्य होगा कृष्ण हमारा दूध पिए। ये दूसरी इच्छा है। तीसरी इच्छा, फिर जितने गोपियां थी पूर्व पूर्व जन्म में, जैसे दंडकारण्य का जो ऋषि लोग थे, ये सब के सब गोपी बन करके आए। ये जनकपुरी जब भगवान राम गए, आप लोगों ने पहले सुने होंगे, जब भगवान राम गए जनकपुरी के जितने सीता की सहेलियां सोच रही थी क्या ये हमारा पति बनेंगे, बोले सबसे सब द्वापर युग में आओ, ये रामावतार में मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। वो भी गोपी बन करके आए सबके सब। बोले वेद का जो मंत्र थे वो भी कठोर आराधना की। कृष्ण बोले क्या चाहते हो? बोले गोपियां जैसे हम प्रेम चाहते हैं। वो सब के सब गोपी बनकर के आए। अभी इतने जो गोपी बनकर आए कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, सबको साथ में शादी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बुद्धि को भ्रमित करके काम करवाए। अभी जब ब्रह्मा असली जो बछड़े सखा कर उन्होंने चोरी कर ली, चोरी नहीं वो ब्रज रज में वही अंतर ध्यान हो गए। अभी कृष्ण ही स्वयं बछड़े बने, कृष्ण स्वयं सखा बन गए। जब बन गए अभी क्या हुआ, जब कृष्ण सखा बने गर्गाचार्य ने अनाउंसमेंट कर दी, बोले देखो ये जो साल है इतने बढ़िया साल है, अगर इसी साल में किसी लड़की को आप शादी करा दोगे वो लड़की कभी विधवा नहीं होगी, उनकी कभी सुहाग नहीं मिटेगी, चिर सुहागिनी रहेगी। बोले क्यों? बोले जितने सब सखा बने वो कृष्ण ही बने। इसी शादी किसको साथ में हो जाएगी? कृष्ण को साथ में है। कहते ना ऐसे बर तो क्या भाई, और जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल तू जो जुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अभी कृष्ण के साथ में सब शादी हो गई। अभी बछड़े कौन बने? कृष्ण ही बछड़े बने। अभी गैया सब वेद का ऋचा है। अभी कृष्ण स्वयं बछड़े बने क्या कर रहे हैं? सारी गैया के स्तन पान कर रहे हैं, इनकी इच्छा भी पूरी हो गई है। और कृष्ण सखा बनकर क्या किए? जितने सारे मातृस्थानीय गोपियां थी सबका स्तन पान कर रहे हैं कृष्ण, अभी सबका स्तन को कृष्ण पान कर रहे हैं, इसलिए वो भी तृप्त हो गए। इसलिए बहुत सारे कारणों को लेकर के ठाकुर जी ब्रह्मा जी को द्वारा काम में करवाए। अभी ब्रह्मा जी उनको पता चल गया है कृष्ण कौन है, तो उन्होंने 40 श्लोकों को द्वारा उन्होंने कृष्ण को स्तुति की। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे हंस वाहन के ऊपर में, इतने में उन्हें छाल लगा करके कृष्ण का चरण में सीधा उन्होंने साष्टांग प्रणाम करी, और वो अपना आंसू से ठाकुर जी के चरण से की, और खड़े होकर के 40 श्लोकों को द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति करते है। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले ये कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर। बोले ईश्वर का मतलब अकर तो कर तो जह सकते साय ईश्वर, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं, जिंदा हुआ व्यक्ति को मारना और मारने का जो जिंदा कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, इनका जो स्वरूप है सब चीज और आनंद, ये तीनों चीज से भगवान उत्पन्न है। और ये कौन है?
तद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये सब का कारणों का कारण है। देखो एक चीज को समझ कर जाओ, कभी कभी ना हम भ्रमित हो जाते हैं, हम इधर उधर देवादेवी को पूजा करना शुरू कर देते। देखो ये चीज को सब जो ब्रह्मा जी कह रहे, कृष्ण सबका कारण का कारण है। जब भगवान कृष्ण एक ही है, उसी समय जगत में कुछ नहीं था। ये वेद कहता है एक अपि बहुस्या, वो पहले एक थे और एक से बहु हुए हैं, वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, वो एक ही है। इसलिए अभी कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष पर नीचे कृष्ण खड़े हैं। अभी इनके मन में इच्छा हो रही है हम लीला करें, रास करेंगे, लेकिन अकेले तो लीला कर ही नहीं सकते। इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहता है सब जब उन्होंने देखा एक स्वरूप से लीला हो ही नहीं सकती, तभी वो दो होने की इच्छा की। जब इच्छा की तब उनको रास मंडल से कृष्ण का बाम अंग से एक अद्भुत एक किशोरी प्रकट हुई, सारे और रास से प्रकट हुई। इसलिए पहला अक्षर पड़ गया रा। अब वो जन्म लेकर के प्रकट होकर के सुंदर पुष्प चयन करते हुए कृष्ण को पूजा करने के लिए धावित हुई। धावित मतलब होता है दौड़ना, दौड़ी, इसलिए इनका नाम पड़ गया रा और धा। ये कृष्ण से राधा रानी हुई, इसलिए कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बस। कभी वो दो नहीं, वो एक ही है। लीला करने के लिए वो केवल दो हुए। अभी राधा रानी बल इसे बोले जितने सब लक्ष्मी देखते हो, कहते उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आपने वाणी। ये जितने अनंत करोड़ जितने लक्ष्मियां हैं, उमा रमा सीता गीता, ये कहां से हुई? सबके सब राधा रानी से पर हुई। कब जितने शक्ति है, अभी कृष्ण इनका बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, कहते इनके डाण अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई, कहते ये बलदेव प्रभु से एक मूल संकरण हुए, जिसे चतुर्व्यूह होते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यहाँ जो संकर्षण हुए इनसे तीन विष्णु प्रकट हुए। देखो ये तीन विष्णु कौन कौन है? एक है कानंद गोसाई, एक है गर्भद गोसाई और एक है शेष अनंत देव। बल्कि ये कारण साई विष्णु कौन है? बल्कि जो कारण तो साई विष्णु जो कृष्ण है, जैसे मोदी है, वो केवल अपना पार्लियामेंट में बैठा हुआ, कहीं अगर लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, मोदी थोड़ी जाकर करता है, केवल उनके आदेश पर सारे काम होता है। उसी तरह कृष्ण इनको कुछ करना नहीं पड़ता है, इनका केवल एक ही काम है गोलोक वृंदावन में अपना सखा सखियों के साथ में प्रभु जी लीला में केवल मस्त रहते हैं। इसलिए लीला में वो एकदम डूबे होते रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। कहते उनका अंश का अंश के अंश के अंश सारे काम करते हैं। ये जो कारण तो गोसाई विष्णु है, इनसे ही ये जितने अवतार आते हैं मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बमन परशुराम राम बलराम बुद्ध, ये जितने अवतार ये सबके सब सिर्फ कारण तो गोसाई विष्णु से प्रकट होते हैं। इसलिए ये कारण तो गोसाई विष्णु ने जब उन्होंने माया को दृष्टि की, जो माया जो ब्रह्मांड को देख रहे हो, इतने में माया गर्भवती हुई, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को ये माया ने सृष्टि की भगवान गर्भदशाई इखन करने पर। अभी अनंत ब्रह्मांड सृष्टि हुई है, कहते उसे जो एक गर्भदशाई विष्णु, कहते ये बोले हर ब्रह्मांड में ये गर्भदशाई अपना शरीर की पसीना से आधा ब्रह्मांड को पानी में भर लेते हैं, भर करके वो शयन करते हैं, जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी को हम दर्शन करते हैं। ये है श्री गर्भोदक साई विष्णु। कहते भैया क्षीरावली साई विष्णु कौन है? बोले प्रत्येक जीव का हृदय में जो एक अंगुष्ठ परिमाण पुरुष में जो परमात्मा बैठे हैं, ये कौन है? कहते ये श्री क्षीरोदक साई विष्णु है। सभी का हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण पुरुष रूप में है। कहते ये शेष कौन है? बोले भगवान जी से अनंत नाग पर शयन करते हैं, है? इसलिए वो शेष नाग है। अब समझ गए कि नहीं कृष्ण कौन है? कृष्ण सारे ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्व कारण कारणम, सभी का कारण कौन हुए? गर्भदशाई विष्णु हुए, है? कहते कारण दशाई विष्णु हुए, बोले उनका मूल कौन हुए? संकर्षण हुए, बोले उनका मूल कौन हुए? बोले दाऊ भैया, और उनका मूल श्री कृष्ण कहते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ये सर्व लगता है ये लड्डू गोपाल छोटे से हैं, बड़े छोटे से हैं, ये साधारण नहीं है। देखो आपके क्या स्टोरी सुनाता हूँ।
बोले एक समय ये जो ब्रह्मा जी दुनिया में, जो ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड में, उनका चार सर है, इनका चार सर है। एक दिन इन्होंने भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए द्वारका पहुंचे। जब द्वारका में पहुंचे, इतने में इन्होंने बताया द्वारपाल को, जा करके बताओ ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। इतने में ठाकुर जी बोले उनको, कोई कौन ब्रह्मा है? जो उसने पूछा कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा का पैर तक लग रहे, सर तक ना एकदम आग लग गई। बोले कौन ब्रह्मा, क्या 10 ब्रह्मा होते हैं? उनको पता था एक ही ब्रह्मा जो ये जगत को सृष्टि करने वाले, एकदम इतने क्रोधित हो गए। उन्होंने जा करके बोल दिया, बोले बोलो जा करके ये चतुर्मुख सनक पिता ब्रह्मा जी आए। बड़ा क्रोध से बोले वो दरबार जा करके प्रभु को बोले, बोले प्रभु जब मैंने पूछा ये कौन ब्रह्मा, इनको इतना क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। बोले 10 ब्रह्मा कोई बताए, बोल दो सनक पिता ब्रह्मा है। भगवान समझ गए इसका अभिमान है, एक ही ब्रह्मा से आज इसी ब्रह्मांड को जो चलाने वाले, इसको पता नहीं कितने ब्रह्मा लिए। बोले जा उनको बोलो ठाकुर जी बुला रहे। जब आए इतने में प्रणाम, ठाकुर जी के चरण में प्रणाम की, वो पूछना चाह रहे थे अपने ऐसे क्यों बोले। बोले एक काम करो, थोड़ी सी खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी सी मंत्र जब बाकी है। जब ठाकुर जी स्मरण किए, इतने में देखा 8 सर वाले के ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा तो देख कर बोले भैया ये कहाँ से आ गए, ये तो 8 सर वाले, हमारे तो 4 सर है। उसने ठाकुर जी चरण में प्रणाम किया, हाँ ठाकुर के चरण में। ठाकुर जी पूछे सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। इतने में देखा 16 श्री वाले के ब्रह्मा आए, इतने में देखा 32 श्री वाले ब्रह्मा आए, फिर देखा 64 सर वाले ब्रह्मा, कहते हजार करोड़ों सर वाले ब्रह्मा और करोड़ों सर वाले शंकर जी वहां पर आए, 10 सर 20 सर। और ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते समय मुकुट जो था उनमें धन कार का शब्द होता था। और ये ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का क्या स्थिति, जैसे हाथियों को बीच में एक मच्छड़ का जो स्थिति है ना, उसका स्थिति ऐसे हो गई। ब्रह्मा तो अक्के बक्के चके हो गए। फिर ठाकुर जी के चरण में प्रणाम की, बोले ठाकुर जी मैं तो सोच रहा था सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा मैं हूँ और दुनिया में और कोई ब्रह्मा नहीं, मैंने देखा तो सबसे छोटा ब्रह्मा मैं हूँ, सबसे मेरे बड़ा है सबसे। और एक पुराण में कथा आती है, बोले एक समय हमारे इसी जगह का ब्रह्मा का मन में अभिमान आया। बोले किस चीज की? बोले मैं इतने बड़े ब्रह्मा को चला रहा हूँ, देखना जिस फैक्ट्री में 2000-3000 लोग अगर कोई चलाता है, देखना कितने परेशानी, उसमें कितना ब्रेन लगता है। और जिसने केवल भारत नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, भूर भूभ मोह जन तप सत्य लोग अतल बीतल तलातल सुतल पाता, अगर जो व्यक्ति सृष्टि करके चलाता होगा, आप स्वयं सोच लीजिए वो कितना बड़ा काम करता है। एक दिन ब्रह्मा जी मन में अभिमान आए, इतना बड़ा मैं काम करता हूं, लेकिन ठाकुर जी कभी मेरे को बाहवा नहीं देते, थोड़ी से कम से बेटा तो इतने बड़े थोड़ी से बाहवा तो दे। बोले अगर मैं एक महीना के लिए छुट्टी लू ना, अगर ठाकुर जी को करना लग पड़ जाए, फिर पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ। एक दिन ये अभिमान से ब्रह्मा जी ठाकुर के पास में आए। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी मैं एक महीना के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा सोच रहा था, ठाकुर तो बोले कि भैया इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना दिन को 10-15 ले जाए, इतना तो बोले ठाकुर जी। लेकिन जब उन्होंने बोले एक महीना छुट्टी चाहता हूँ, ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं। जब उन्होंने वापस आ रहा था ना, उसने देखा एक 8 सर वाले ब्रह्मा एक हंस वाहन के ऊपर बैठ करके बड़े तीव्र गति से अंदर जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये कहाँ से आ गया, मैं तो सोच रहा था मैं ही सबसे बड़ा, ये तो 8 सर वाले। उसको रोकने के लिए कोशिश की, भैया तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मेरे पास में टाइम नहीं, पीछे ब्रह्मा से बात करो। देखा पीछे वो 16 सर वाले ब्रह्मा, जब उसको पूछे बोले भैया मेरे पास में टाइम नहीं, पीछे पूछो। देखा उन्होंने 32 सर वाले ब्रह्मा, जिसी को पूछे कोई खड़े नहीं हो रहे थे, बड़े तेजी से जा रहे थे। उन्होंने बहुत कष्ट से सबसे जो पीछे ब्रह्मा थे 1000 सर वाले ब्रह्मा, उनको बहुत कष्ट से रोके, बोले रुको कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो। बड़े कष्ट से रुक गया, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले देखो ये जो ब्रह्मांड है जिसमें तुम ब्रह्मा का काम करते हो, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, मैं जहां से आया हूँ
सबसे जो बड़ा ब्रह्मांड से मैं आया हूं, वहां का मैं सृष्टि करने वाली। एक दिन मेरे मन में अभिमान आ गया, मैंने कहा इतना बड़ा ब्रह्मांड को मैं सृष्टि करता हूं, सारे काम करता हूं, ठाकुर जी मेरे को कभी बहावा नहीं देते। मैंने सोचा एक महीना छुट्टी लेकर के अगर जाऊं तो ठाकुर को पता पड़ जाएगा जब स्वयं को करना पड़ेगा। मैंने एक महीना छुट्टी लिया ना, पूरा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी नौकरी चली गई, अभी मैं भूखे मर रहा हूं। बोले तुम अंदर में क्यों जा रहे हो? कहते मैंने सुना है और एक इसी ब्रह्मा के मन में ऐसी अहंकार आ गई, इसलिए वो भी छुट्टी लिया, अभी वो पोस्ट पर खाली है, इसलिए जल्दी जल्दी जाए तो नौकरी मेरी मिल जाएगी। पर ब्रह्मा तो सर पकड़ कर वहीं पर बैठ गया, मतलब मेरी नौकरी गई। इसलिए देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, उसमें एक श्लोक है, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु अशेष सर्वसुधाति विभीति विरणम तद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदांगमादि पुरुषम तमहम भजाम। ब्रह्मा कहते हैं बोले हे प्रभु, जिनकी एक एक लोक रूप में, बोले एक एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोक रूप में विद्यमान है, जिनकी केवल एक इशारा होने पर कितने ऐसे सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है, कितने ब्रह्मा विष्णु कितने महेश ये सबके सब प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कौन है? बोले गोविंदंग महादेवरुषम तब हम भजामी, ऐसे जो भगवान गोविंद है हम सबके सब उनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय तब ब्रह्मा जी बहुत तो श्लोक बोले हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें दो एक श्लोक को व्याख्या करने के लिए। उन्हें क्या कहा तो बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं इनको प्रभु की भक्ति कैसे करनी चाहिए। बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिच्छमान भुंजाम एवात्म कृतम विपातम। बोले हे प्रभु, बोले ज्ञाने प्रयास मधुभाष्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ता। कहते भगवान का एक नाम है अजी, अजित का मतलब होता है जिनको पाना बहुत ही कठिन, जिनको जितना बहुत कठिन। अभी प्रश्न है क्या फिर हम प्रभु को पा नहीं सकते हैं, तो इसका उपाय कहते हैं बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य। देखो भगवान को पाने के लिए केवल भगवान प्रेम को द्वारा ही वशीभूत होते हैं, भगवान ज्ञान से प्रभु प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए ज्ञान का प्रयास छोड़ दो। हैं फिर दूसरा अर्थ होता है हमारे अंदर में जो अभिमान है, कहते सारे अभिमान को हमें त्याग देनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं देखो मेरे चार सर है लेकिन तभी भी मैं प्रभु का समझ नहीं पाया हूँ, और तुम्हारा तक एक सर, तुम क्या प्रभु को समझोगे? इसलिए सारे मान अभिमान को छोड़ करके संतों को चरण में बैठते हुए उनकी भक्त के मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है उसमें गोता लगाते रहो, उसमें गोता लगाते रहो, और जीवन में भगवान जिस स्थिति में रखे हैं उसी स्थिति में रहते हुए भगवान की भजन करो। बोले संतों के चरण में रहो, जैसे किसको बोले ना भैया थोड़ा भगवान की भजन करो, हरे कृष्ण देखो आप लोग थोड़ी आगे आ सकते हो, थोड़ी सी आगे, यहाँ जैसे खाली बड़ा हुआ आप लोग यहाँ तक भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आगे आ जाओ, पूरा खाली बड़ा हुआ एकदम पूरा आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और पूरा एकदम पूरा एकदम कितनी सकत यहाँ बैठ गए, एकदम सकत बैठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोले सारे अभिमान को छोड़ करके ठाकुर जी हमें जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में रह करके ठाकुर जी के भजन करो। जैसे हम किसको कहते हैं बोले क्या भगवान की थोड़ा भजन करो, बोले देखो अभी हमारे ऊपर में बहुत सारे दायित्व है, अभी बेटा का शादी करना, बेटी को शादी करवाना, अभी संसार का बहुत सारे काम है, जब ये सारे काम निपट जाएगा ना
जब ये सारे काम निपट जाएगा हम क्या करेंगे, फिर भगवान की भक्ति करेंगे। बोले भैया तुम खुद निपट जाओगे, लेकिन ये काम कभी नहीं निपटेगा। काम तुम्हें निपटना है, इसलिए बोले स्वयं तुम निपट जाओगे, लेकिन ये काम कभी निपटेगा नहीं। इसलिए भगवान जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रह करके भगवान की भजन करो। एक बार हाथ उठा कर दो सब सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 तभी आगे बढ़िया स्थिति कब आएगा, जब भगवान की भजन करोगे। बगैर भजन किए हुए आगे कभी बढ़िया स्थिति नहीं आ सकती। देखो एक समय एक राजा और एक मंत्री थे। मंत्री बहुत बड़ा भगवत भक्त है, हर बात में कहता था ठाकुर जी जो कुछ करते हैं मंगल के लिए करते हैं, भगवान कभी अमंगल किसी कर ही नहीं सकते। एक दिन राजा मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, इतने में ये राजा का जो कनिष्ठ अंगुल कैसे कट गई। इतने में राजा ने कहा मंत्री जी मेरी ये अंगुल कट गया। लेकिन मंत्री तो बड़े भगत है, बोले देखो महाराज भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हरि, इसलिए भगवान हर काम में मंगल मंगलमय करते हैं। बोले जिंदगी भर के लिए बोले अंगुल चली गई, अब तो कहे तो भगवान मंगलमय और जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं। फिर उन्होंने वही बात को बताया, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, बोले हर काम में मंगल मंगल। बोले और क्या, हम कहते ना उसको इच्छा जब अगर एक पता भी नहीं हिलता है। बोले अभी तेरे को दिखा था कैसे भगवान मंगल करते हैं। एक अंधकार के कुआ था, सूखा कुआ, उन्होंने उसको धक्का मार कर उसमें गिरा दिया। भगवान जो कुछ करते हैं ऐसे करते हैं ना, लेकिन वो भगवान में विश्वास करता है, उसका अंदर में प्रभु भजन करते रहा। जब वो वापस आ रहा था, एक डाकुओं का सरदार माता देवी को पास में मनोती रखा था, हे देवी अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए तेरे पास में एक नर बलि में चढ़ाओ। अभी किसी तरह से उसको घर में एक बच्चा जन्म लेगा, वो तो बड़ा खुश हो गया। जितने डाकुओं को बुला जो कोई जंगल में मिले पकड़ कर ले उसको हम बलि चढ़ाऊंगा, मैया से मनोती रखा था। घूमते घूमते राजा मिला, बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर विवाह, मैया तो बड़ी खुश होगी। जब उसको पकड़ करके ले आए, हे भगवान कहाँ मेरे फंस गया। अब उसको स्नान खान कराया, नया वस्त्र पहनाया, गले में माला पहना करके, हाँ जिस लकड़ी का होता है ना जिसमें गला को फंसा दिया काटने के लिए, वो तो छटपट छटपट कर रहा था। जब गया उसने उठाया तलवार को, जब काटने जा रहा था हठात उसका नजर पड़ा ये अंगुली के ऊपर, ये कटा हुआ और खून बह रहा था। एक नियम है देवी के पास में वही चीज चढ़ सकती है जो संपूर्ण हो, उसका कोई शरीर अंग कोई भंग हो पूर्ण नहीं हो वो चीज देवी के पास में चढ़ी नहीं सकती। जब देखा पूर्ण दब रहा है, वो उठाया था तलवार, बोले भैया ये देवी को सेवा के लायक नहीं, क्यों इसका शरीर लगा हुआ खून बह रहे हैं, मैं नाराज हो जाएगी। अरे बोले गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मैया नाराज हो जाएगी, इनको बलि चढ़ने का ही लायक नहीं, छोड़ दो। जब छोड़ दिया राजा ने कहा भैया मंत्री ने जो बात बताया था सही बताया था, हाँ भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, अगर ये मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ होता ना ये तो पूरा के पूरा देवी को मैं चढ़ जाता। अभी उसको भगवान का प्रति विश्वास हो गया, फिर वहां से वापस आया मंत्री को पास में, लेकिन मंत्री उसको पूर्ण ठाकुर के ऊपर विश्वास है, जो कुछ करते ठाकुर अच्छे के लिए करते, पूरा कभी कर नहीं सकते। वो वापस आया, वो अंधकार कुआं में पड़ा हुआ था उसको निकाला, वो सारी बात एक एक कर बताया। बोले ऐसे ऐसे तो सही बता रहा था,
अंगुल वगैरह कटा नहीं होगा तो मैं बुरा से बुरा बलि चढ़ जाती। बोले मंत्री मेरे को तो पता चला ठाकुर मेरे साथ में जो कुछ किए अच्छे किए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले कौन सा बात? बोले तेरे को मैंने तब से अभी तक मैंने ये अंधकार कुएं में मैंने तेरे को डाल कर रखा, लेकिन तेरा क्या मंगल हुआ? तब से अभी तक तो तू अंधकार कुएं में पड़ करके रहा। मंत्री ने कहा महाराज तुम्हारी मंगल नहीं हुआ, मंगल तो मेरा ही हुआ है। बोले क्यों? बोले अगर तुमने ये कुएं में मेरे को नहीं डालते फिर हम दोनों जाते, तेरा तो अंगुल कटा हुआ तेरे को छोड़ देते और मेरे को पूरा के पूरा काट देते। राजा को तो पूरा विश्वास हो गया सचमुच से ठाकुर मंगल भवन अमंगल है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे जीवन में ठाकुर जी जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रह करके भगवान की भजन करो। भगवान की भजन करने पर देखो कृष्ण खुद कहते हैं पल अनन्यास चिंतन तमाम जे जनाहा परजु पासते तेसा नित्या विजुताना जगत स्वयं बहाम्यम। कृष्ण गीता में इतने बड़े प्रतिज्ञा कृष्ण किए, बोले जो अनन्य रूप में मेरे भजन करेंगे, अनन्य मतलब ना अन्य और किसी देवा देवी का नहीं, जैसे गोपियां जैसे मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, जैसे संपूर्ण तन मन सब कुछ मुझे दिए थे, ऐसे जो अनन्य रूप में जो भक्ति करते हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले दो काम क्या करते हो? बोले घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ, और घर में जो चीज है कृष्ण कहते हैं कि दरवा बनकर उसको रखवाल करता हूँ। आप लोग ने नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, वो दिन रात गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि लाल की। नरसिंह भगत दिन रात प्रभु का भजन करता था, लेकिन घर में जब बेटी अभी बेटी की शादी कैसे हुई, ठाकुर जी स्वयं भात भरने के लिए स्वयं सावरिया सेट बन करके जाते और इतने धूमधाम से शादी कराते, करोड़पति भी ऐसे शादी नहीं करा सकते इतने। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं भगवान जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रहते हुए भगवान की भक्ति करते रहो, आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगा ना प्रभु भजन जाए, अगर भजन से कोई बढ़िया स्थिति आ ही नहीं सकती है। और जीवन में जो कुछ आए कभी दूसरों के ऊपर में दोष मत लगा। हम कहते हैं ना भैया अमुक का वजह से ऐसे हो गया, कहते नहीं भैया किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। हमने जैसे पेड़ बीज बोए वो वृक्ष वैसे दिखा। अगर हम आम की बीज बोएंगे क्या वहां चिकुआ वृक्ष आएगा? नहीं। अगर हम नीम का बीज बोएंगे वहां कौन सा वृक्ष आएगा? नीम का ही भी वृक्ष आएगी। इसलिए कभी किसको ऊपर में कभी दोष मत लगाओ अरे अमुक वजह से हो गया, बोले नहीं हमने जीवन में जैसे कर्म किया वो कर्म का फल हम भोग कर रहे। ये चीज को समझते हुए सारे कर्म का फल को भोग कर लो, हंसते हंसते भोग कर लो, लेकिन प्रभु की भजन कभी मत छोड़ा कर, प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, आप लोग इसके बहुत सारी शिक्षा है कैसे दूसरों को कभी बेईमानी दूसरों को साथ में कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए कैसे। बोले एक समय दो व्यक्ति अपना बिजनेस करने के लिए गए, एक व्यक्ति था राजस्थान के एक व्यक्ति था और एक खड़गपुर का। ये सही घटना है। अभी जो राजस्थान का व्यक्ति वो आया खड़गपुर में, दोनों ही पैसा वाले व्यक्ति थे, सोचे अगर दोनों मिलकर के बिजनेस करेंगे बिजनेस बढ़िया चलेगा। इसने इसको पैसा दे दिया, ये पैसा ऐसी चीज है ना बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी भ्रष्ट करके।
इसको पास में जब सारे पैसा आ गया, देखा इतने सारे पैसा हो गया मेरे पास में, किसी ने से देखा नहीं, किसी ने मेरे को पैसा दिया, इसको किस तरह से मार डाला। उसे एक पकौड़ा वालों के पास गया, बोले देव हम तुमको इतने हजार पैसा देंगे, जब हम दोनों पकौड़ा खाने आएंगे मेरे को तो अच्छा पकौड़ा खिलाना, लेकिन उसको जहर मिलाकर उसको खिला देना, हम तुमको इतने हजार पैसा दूंगा। वो तो खुश हो गया, एक पकौड़ा वाला अगर इतने हजार पैसा मिल गया, बोले कोई चिंता मत करो। उन्होंने दोनों को पकौड़ा खिलाया, लेकिन अलग अलग पकौड़ा खिलाया। इसने देखा अंदर जहर का पकौड़ा खाया, अभी रिएक्शन आएगी, उसको किसी तरह से अपना घर लेंगे, और उसको बाद में उसको तरह तरह का उल्टी, तरह तरह का दस्त, फिर ऐसी अवस्था हुआ उसने प्राण को त्याग दी, उसको शरीर को उसने कहीं गायब कर दी। कुछ दिन बाद में उसने क्या किया, बहुत सारी पैसा हुआ, बड़ा सुंदर उसने मकान बनाया, लोगों ने सोचा शायद बिजनेस करने गया था, लाभ हो गया, इसलिए उसने कितने सुंदर मकान बनाया। उसको घर में एक सुंदर बच्चा जन्म हुआ। जब वो बच्चा जन्म हुआ, जब बच्चा बड़ा हुआ, जिस दिन बच्चे को शादी हुई, शादी का दिन से वो एकदम बीमार पड़ गया, और ऐसे बीमार पड़ा एकदम शज्जा में लेट गया और शज्जा से उठ नहीं पा रहा है। अभी क्या हुआ, सारे पैसा घर की उसको पीछे सारे पैसा चला, जब सारे पैसा खत्म हो गई, साल साल से पड़ा रहा, अभी ये प्राण त्याग करने वाले, अभी सारे परिवार लोग यहाँ पर आकर के, सारे परिवार लोग आ गए, अभी ये मरने वाला है, ठीक मरने से पहले, अभी तक तो सो रहा था, अभी मरने वाला, वो अच्छा आदमी जैसे बैठ गया, बढ़िया आदमी बैठ करके वो सारे बात करने लग गया, बोले देखो मैं राजस्थान का हमको व्यक्ति हूँ, हम दोनों बिजनेस करने के आए, बोले ये व्यक्ति को पूछो, मैंने इसको ये सारे पैसा दिया और उसी ने मेरे को जहर खिला के मार दिया, इसने जहर खा कर मार दिया, इसलिए मैंने प्रतिशोध लेने के लिए उसका बेटा घर में बन करके आया, जितने पैसा मेरे से लिया था, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो चक्रवर्ती ब्याज को साथ में इसका सारे पैसा समाप्त कर दिया, लेकिन थोड़ा सा पैसा छोड़ दिया, इसीलिए अभी मेरे को अंतिम क्रिया उसको करना पड़ेगा, इसको पूछो मैंने इसको पैसा दिया था, इसने मेरे को जहर देकर मारा कि नहीं। सब लोग खड़े हुए, बोले हाँ ये बात सही है। फिर लोगों ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ जब से तुमने शादी की तब से ये बीमारी में क्यों पड़े, और तुम्हारी पत्नी अभी विधवा हो गई, फिर तुम्हारी पत्नी को इतना कष्ट क्यों होना पड़ा। बोले देखो जिसने मेरे को जहर मिला करके पकौड़ा खिलाई थी ना, यही है, यही मेरे को जहर मिला पकौड़ा खिलाई थी, इसलिए जिंदगी भर इसको विधवा रहना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने वहीं पर शरीर को त्याग दे दिया। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है ना, कभी दूसरों को कष्ट मत दिया करो, कभी दोष मत लगाओ, हंसते हंसते भोग कर लो उस चीज को, हंसते हंसते भोग कर लो, लेकिन प्रभु की भजन कभी नहीं छोड़ो। वो कहते हैं भजन क्यों नहीं छोड़े, बोले भगवान कौन है, बोले रस वैस रसम जवाया लब्धानंद भवती, भगवान स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। जीवन में अगर वास्तव रस कहीं मिलेगा भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। जैसे पिताजी की अथा संपत्ति, बच्चे को कब ये संपत्ति मिलेगा, जब जिंदा रहे ना, अगर मर गया तो कहां से संपत्ति उसको मिलेगी। उसी तरह भगवान जो प्रेम रस स्वरूप है, तभी तुम्हें ये आनंद मिल सकती है जब तुम भगवान की भक्ति में स्थिर रूप में रहोगे। लेकिन कभी कभी भक्ति करने वाले व्यक्ति बड़े भ्रमित हो जाता है, कहते हमने किसकी हाँ किसका अमंगल नहीं करते हैं, किसका बुरा नहीं सोचते हैं, हम इतने प्रभु की भक्ति करते हैं और जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, जीवन में इतना कष्ट होते हैं। देखो एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, आप ये चीज को समझो। जैसे एक पहले पहले क्या होता था, जैसे गेहूं की चास करते थे और उसको पास में एक ड्रम होता था, वो ड्रम को अंदर में सारे गेहूं को डाल देते थे और उसको नीचे एक होल होता था, जितना जरूरत वहीं से निकाल देते। आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप ध्यान देकर सुनो। इसी साल हमने गेहूं की खेती की, लेकिन गेहूं का दाना छोटा छोटा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दिया। दूसरे साल जब गेहूं की खेती हुई, वो दाना बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी डाल दो। अभी जब नीचे से निकालोगे, कौन सा गेहूं पहले निकलेगा, कौन सा निकलेगा, क्यों बड़ा क्यों नहीं निकलेगा, हमने ऊपर से बड़ा डाला है ना, क्यों नहीं निकलेगा। हाँ वो बड़ा निकलेगा, कब निकलेगा, जब छोटा खत्म हो जाएगा। देखो यही चीज को समझो, जैसे अभी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं,
भक्ति का फल जरूर आपको मिलेगा। भक्ति के फल अक्षय हैं। देखो ये पद्म पुराण में कथा आती है, अनजान में भी एक समय किसने ठाकुर जी के मंदिर में कार्तिक महीना में दिया जलाने के लिए दिया। इतने में वो दिया धीरे 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 बुझते जा रहे थे। इतने में एक चूहा वो घी खाने का लोभ से आया, जब घी पी रहा था इतने में उसको मुंह में थोड़ा आग लग गई और उसको दांत में बत्ती लग करके जब उसने पीछे हटा वो दिया बुझने जा रही थी, वो दिया हो गया तेज और उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई। उसने दो तीन बार ठाकुर के सामने छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी कितने दयालु हुए थे। ठाकुर ने कहा देखो ये कार्तिक महीना किसने दिया जलाने के लिए दिया था, दिया बुझने जा रही थी और ये चूहा ने क्या किया, ये दिया को तेज कर दिया, मानो मेरे को उसने आरती उतारा और दो चार बार छलांग लगा दी, मतलब मेरे को दिया जला दिखाते हुए इसने मेरे सामने नृत्य किया। देखो क्या फल है। अगले जीवन में वो राजकुमारी बनकर के जन्म लेती है और उसका हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रहती है। फिर भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना गोलक वृंदावन में अपना पटरानी रूप में स्थान देते हैं। अगर एक चूहा अनजान में इतनी सी काम कर कितने पुण्य है, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसका फल कभी भी नष्ट नहीं होगा। कृष्ण गीता में कहते हैं स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत्भयात्, हे अर्जुन मेरे लिए अगर कोई इतना करता है ना उसके लिए मैं इतना करता हूँ। भगवान की तरह अंगुल कट गया, द्रौपदी थोड़ा साड़ी हार करके बैंडेज कर दिया, ठाकुर ने किया दिया, भरी सभा में लाज बचाई। सुदामा दो मिट्टी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी देते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं जैसे बड़ा गेहूं डाले, बड़ा गेहूं आएगा लेकिन कब आएगा, जब छोटा गेहूं खत्म हो जाएगा तभी वो बड़ा गेहूं आएगा। इसका मतलब है यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं देखो जो भगवान की भक्ति करने वाले कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। अरे हम इतने भक्ति की इतना भजन की हमारे जीवन में ये आता है, हाँ जो भक्ति कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा, ऐसे नहीं कभी उसको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा लेकिन कब मिलेगा, जब हमारे पाप खत्म हो जाए। देखो और एक उपाय है, आप लोगों ने अजामिल का नाम जानते हो, आप लोगों ने बाल्मीकि का नाम जानते हो, कितने बड़े ये पापी थे। जब उन्होंने बाल्मीकि को बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, इतना बड़ा पापी था वो। उल्टा नाम जपत जगे जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप करते करते अगर कोई सीधा नाम जप करे तो फिर क्या नहीं होगा। हाँ देखो अगर हमारा बहुत दुख कष्ट है लेकिन उससे जल्दी से जल्दी मुक्ति होने का कौन सा उपाय, केवल भगवान के नाम जपाए, केवल ठाकुर का नाम जप करो, देखना अपनी आप तुम्हारे दुख कष्ट अपनी आप खत्म हो जाएगी। अजामिल जब अपना बेटा का नाम लेकर के मुक्त हो सकते हैं, बेटे को नाम लेकर के, इसलिए सबसे बड़ा पाप को नष्ट करने वाले कोई नहीं कर सकते है, कोई नहीं कर, एक ज्ञानी तक भी अपना कर्म का फल को से दूर नहीं हो सकते है। केवल भगवान का नाम ही जप में इतने शक्ति जो सारे दुख को ये हमारी खत्म कर सकती है, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कथा। लेकिन आज हम एक नया कथा सुनेंगे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने ये पूरी भागवत कथा सुना दी, उनको पास में उनकी मैया उत्तरा भी बैठी हुई थी। इतने में उत्तरा श्री परीक्षित महाराज से प्रश्न करती, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी सात सात दिन तक कितने कितने क्या क्या कथा सुना दी, मैं स्त्री आती हूँ मेरे पल्ले में कुछ पढ़ाई नहीं, मेरे लायक की बात बता दो, जैसे कम शब्द में थोड़ी शब्द में मेरे को बता दो जीवन में क्या करनी चाहिए और ये भागवत का सार के मेरे को बता दो। महाराज थोड़ी से समय में बड़ा सुंदर एक कथा सुनाया जिसका नाम है बृहत भागवत अमृतम, भागवत ये बृहत है कहते, उसका जो सार है तब उन्होंने सुनाया। बोले क्यों सार सुनाया, बोले कलयुग में भीम का परमाय बहुत कम है,
कोई कारण नहीं किस समय हमारी मृत्यु हुई है। और इतने सारे शास्त्र है, इतने सारे शास्त्र को वेद पुराण उपनिषद 18 पुराण कब हम पढ़े। तब उन्होंने थोड़ी सी बात में पूरा शास्त्र का सारांश बता दिया। अगर हम इतनी सी बात अगर समझ जाए ना, समझना भागवत हमारी जिम्मा हो गया। हम कोशिश करेंगे उसको सुनाने के लिए थोड़ी समय में, तब भी अगर इसको कथा करो ना वो भी तो बहुत दिन लगेगा। कोशिश करेंगे थोड़ी समय पर इसकी कथा सुनाने के लिए, ठीक है। बल एक दिन से नारद जी, आप सब नारद तो जानते हैं, इनका नाम है नारद। नर मतलब होता है रस और द मतलब सबको रस देते हैं। नर मतलब होता है ज्ञान, द माने सबको जो ज्ञान देते हैं। नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब सारे आसक्ति को जो खंडन करते हैं। इसलिए नारद जी एक समय यद्यपि वो जानते हैं कृष्ण का सबसे प्यारे भक्त कौन है, लेकिन हमारी सामने उसको स्थापना करने के लिए एक दिन नारद जी बिना बजाते बजाते श्री प्रह्लाद महाराज के पास में गए। बोले प्रह्लाद, तेरे जैसे भक्त दुनिया कोई नहीं, क्योंकि हम भजन करते हैं अगर थोड़ी कोई विपत्ति पड़ जाए ना, देखना भले ही कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला को छोड़ देने, पहले माला को ही छोड़ देते, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले सबसे पहले भगवान के ऊपर दोष लगाएंगे। ठाकुर जी ऐसे किया, जब उन्होंने सुख दिया वो सुख को विचार नहीं किया, थोड़ी सी दुख आ गया ना सारे गाली गलौज ठाकुर जी को। लेकिन तेरे ऊपर में जब तुमने भजन की, तेरे पिताजी तेरे को मारने के लिए कोशिश की, पहाड़ ऊपर ले से फेंक दिया है, उसको बाद में उसको लेकर के सर्पों के सामने फेंक दिया, उसको हाथी को सामने फेंकवा दिया, पानी में लेकर के पत्थर बांध करके वहां पर फेंक दिया, लेकिन किसी तरह से मार नहीं सका। बोले एक काम करो, इसको काल कोठरी में बंद कर दो, एकदम भजन पानी कुछ मत दिया करो। जब उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया, बैकुंठ में जब माँ लक्ष्मी नारायण को भोजन दिलाने के लिए आई, ठाकुर जी कहते लक्ष्मी मेरे भक्त अभी भूखे बैठे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ, अगर किसका बच्चा भूखा है माँ कभी खा सकती है। बोले चलो हम जाकर खिला करके आते हैं। माँ लक्ष्मी जो खाना बनाती है छापान भोग छत्री जी का जन वैकुंठ से ठाकुर आकर खिला करके जाते हैं। कुछ दिन बाद में बोले दरवाजा खोलो, सड़ करके खत्म हो गया था। जब दरवाजा खोला प्रहलाद और मोटे वाले करके, बोले भैया उसको खाना ही नहीं दिया, इतने मोटे कैसे हो गए। इतने में इनकी एक बहनी थी हिरण्यकश्यप, जिसका नाम थी होलिका थी उसकी नाम। एक दिन वो आई तो कहा भैया बड़े चिंतित, बोले क्या बात है, ऐसे ऐसे ये कृष्ण से मरता नहीं। बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा जी का वरदान है, ये अग्नि मेरे को स्पर्श नहीं कर सकती है, चिता जलाओ और मेरे गोद में बैठा दियो। जब आग लगाए बड़े जोर से चीख उठी, बचाओ बचाओ, बोले तो गया प्रहलाद गया। जब आग बुझ गई ना, देखा तो जैसे एयर कंडीशनर रूम में जैसे कोई बैठ कर ना, वहां पर प्रहलाद बैठ करके बस वहां पर प्रभु का नाम जप कर रहा है और होली का ही जल कर खत्म हो गई, होली का ही खत्म हो गई। बोले भैया ये से कैसे हो गया। फिर उन्होंने बोले एक काम करो, उनका गुरु जी थे संधा और अमर, बोले एक काम करो, अभी बड़े गुरु जी गए बाहर शुक्राचार्य, वो आने पर समझ जाएगा, स्कूल में भेज दिए, उसमें खेल छुट्टी होता है। जब बच्चे लोग चले गए, प्रहलाद ने कहा बेटो आओ आज एक हम नया खेल खेलेंगे। बच्चे खुश हो गए, भाई कौन सा नया खेल है। वहां पर बैठ करके बोले आज ताली बजाकर हम ये भगवान के नाम जप करेंगे। जब बोले भगवान के नाम जप करो, देखो जैसे साधारण लोग होते हैं ना, अगर बचपन में किसको बोले भजन करने के लिए, बोले कोई भजन करने का उम्र है, ये कोई उम्र है बचपन से करो भगवान का भजन कर। सब लोग जानते हैं जब रिटायर्ड हो जाएगा ना तभी जा करके एक दो माला कर लेंगे, तुम अभी से हम तो बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर नौकरी चाकरी शादी शुदा होगा, बच्चे होंगे, जब उनको शादी शुदा कर देंगे ना बस रिटायर्ड लाइफ में एक दो माला कर लेंगे, तू अभी से क्यों भजन की बात करते हो। देखो प्रह्लाद महाराज बड़े महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतादिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थद। बच्चों भगवान की भक्ति कौमार मतलब 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रह्लाद बड़े से क्यों नहीं करे, ये बचपन से क्यों करे।
प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? अगर उसको पहले अगर राम नाम सत्य हो गया तो बोले नहीं तो अगले जीवन में करेंगे। बोले देखो बच्चों दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जो मानव शरीर ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिलता है, ये बारंबार नहीं मिलता है। तो बच्चों ने पूछा बचपन से क्यों करेंगे? देखो उन्होंने 4-5 उदाहरण दिया। हम बुढ़ापा में क्यों नहीं बचपन से क्यों करेंगे? उन्होंने उदाहरण दिया जैसे छोटा पौधा हो आप कहीं उखाड़ करके कहीं लगा दो तो जल जाए, लेकिन उसका जड़ अगर ज्यादा नीचे चले जाए ना बड़ा हो जाए उसको उखाड़ करके लगाओ तो फिर जम नहीं सकती मर जाती है। जैसे कोरे कागज है उसको पर जो कुछ लोगों को दिखाई पड़ेगा, एक बार लिखने के बाद 2 बार लिखो दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगी। जैसे कच्चा मिट्टी है जो कुछ बनाना बना दोगे मिट्टी जब पक जाए फिर बनती कुछ है? नहीं बनती है। जैसे बांस जब कच्चा हो जिधर टेढ़ा करना टेढ़ा हो जाएगा लेकिन जब पक जाएगा वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। फूल जब खिला हुआ हो तभी ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, जब सड़ जाए फिर ठाकुर के चरण में चढ़ती है। इसलिए कहते हो ना रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे। बोले सरकार क्यों रिटायर्ड करता है? देखता है जब ये 8-10 घंटा काम नहीं करता है, बोले भैया घर में जाओ हो गया तुम्हारा जो कुछ होना हो गया। जब साधारण काम से तुम रिटायर्ड हो गए ये जो दुर्लभ प्रभु की भक्ति में कैसे रहोगे? लास्ट में उन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल दिया। बोले तुम बोलते हो ना बुढ़ापे में करोगे? बोले हाँ। देखो क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे संपूर्ण जीवन हिसाब देता हूँ। मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहे, आधा दिन आधा रात, मतलब आधा रात मतलब 100-100 करके 50 साल बीत गया, कितना रह गया? 50 साल बाकी। बचपना 10 साल में बीत जाती है, खेल खेलते हुए 60 साल चला गया, रह गया 40 साल, 20-25 साल पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, 25 साल इधर चली गई और उधर 50-25 कितना हो गया? 75 हो गया, रह गया 25 साल। कहते 25 साल में 80 से लेकर 100 साल तक जो उम्र है वो किसी काम का नहीं रहता है। गला में कब जम गया, कान में सुनाई नहीं देता, आंख में कब दिखती है, कमर टेढ़ी हो गई, घुटन में दर्द है, देखना सारे बीमारी। यहाँ पर कोई 80 साल का कोई है? अभी तो 80 साल के अंदर में खत्म हो जाते, अब तो रहोगे नहीं 80-100 साल तक। इसीलिए भले 20 साल तक केवल 80 से लेकर 20 साल तक केवल शरीर क्या चिंता करना है, बीच में केवल 5 साल बाकी रही, बच्चों को बड़ा करना, लिखाई पढ़ाना, शादी शुदा करना, उनको नौकरी करवाना, घर को सजाना, इतने कामना 100 साल हो गया देना 200 साल का प्लानिंग बनाकर हम बैठ रहे थे। प्रहलाद ने कहा बचाओ तुम्हारे पास में समय कहाँ बचा भजन करने के लिए। इसलिए हे बच्चों भगवान जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था से भजन करो। प्रहलाद ने 5 साल उम्र में किया, ध्रुव ने 5 साल, वीरा हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी इतने उम्र में किया है, ये सबसे सब 5 साल जवानी अवस्था में भजन किया है। क्योंकि जवानी अवस्था में जो कुछ करोगे उसकी संस्कार अंतिम समय तक रहेगा। जब उन्होंने ये सब बात बताया देखो बच्चों भगवान की भजन करो। प्रहलाद तू इतने अच्छे बात कहाँ से बता रहे हो? बोले मेरे गुरु जी नारद जी मेरे को ये कथा सुनाए थे जब मैं मैया के पेट में था। बोले देखो एक काम करो, कोई बढ़िया चीज हो ना अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको दे कर खानी चाहिए। चलो हम भगवान का कीर्तन गली गलियों में मृदंग और मजरा लेकर के गली गलियों में नाम करें, सबको कान में बड़े संकाधार हो। बस एक प्रहलाद था, सारे क्लास का बच्चे सब प्रहलाद हो गए और सबके सब मिल करके मजरा और ढोलकी निकाले और रोड में कीर्तन करना शुरू कर दिया। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद काम कर रहा था।
बोले भैया मेरे देश में शत्रु का नाम कौन करना है। एक सिपाही को भेजा, देख करके आओ तो क्या हो रहा है। बोले हे भगवान ये बीमारी तो बड़ी जल्दी फैल गई। अब देखना एक व्यक्ति कंठी मालाधारी हो ना, देना झट एक ग्रुप बन जाता है, झट एक ग्रुप बन जाते हैं। बोले भैया ये बीमारी तो बड़ी जल्दी फैल रही है, ये बीमारी को जड़ से खत्म करनी चाहिए। इतने में उसने प्रहलाद को समझाने के लिए गया, जब उसको शरीर में हाथ लगाया ना, उसको शरीर में तो हजार जो वोल्टेज जो करंट कृष्ण भक्ति की वो संचारित हो रहा था। जब उसको स्पर्श किया पूरा इसका शरीर में भी सारे शक्ति संचार हो गई। बोले भैया भगवान का नाम तो बड़ा मीठा है, भगवान का नाम तो बड़े मधुर है, भैया मैं भी थोड़ा कान कर लूं। वो मना क्या करेगा ना, वो उनको साथ में मस्त हो गया भगवान के भजन में। हिरण्यकश्यप और को भैया जिसको भेज रहे कोई वापस नहीं आ रहे, वो सबके कीर्तन में लगे हुए। हिरण्यकश्यप ने देखा भैया कोई वापस क्यों नहीं आ रहे। इतने में हिरण्यकश्यप निकल कर आया, देखा ये भगवान ये तो सबके सब इसको पीछे लगे, सबके सब भजन सारे बच्चों को उन्होंने भक्त बना दिया। इतने में हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, मतलब मेरे देश में मेरे शत्रु का कीर्तन हरि कीर्तन बंद करो। इतने में बच्चों ने कहा प्रहलाद तेरे को हम पहले समझा रहे थे, तेरे पिताजी बड़े खतरा है, बताओ अभी क्या होगा। बोले चिंता क्यों करते हो, ठाकुर जी मेरे को बचाया नहीं तुमको भी रक्षा करेगा। इतने में हिरण्यकश्यप ने कहा तू ऐसे ढीठ है, सारा दुनिया मेरे डर से कांप रहे हैं, लेकिन कुत्ते का पूंछ में जितना दिल लगा लो ना उसको कभी सही नहीं कर सकते हो, तू ऐसे हो बताओ तेरे हरि कहाँ है, पहले तेरे हरि को दिखा करके फिर तेरे को दिखाएंगे। बोले पिताजी ये बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ तो दिखाओ, मेरे तो हरि सर्वत्र है। बोले क्या ये खंभे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है खंभे में। ठाकुर स्वयं प्रकट हो गए, प्रहलाद ने देखा ठाकुर जी स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब उसने मुष्टि का घात प्रहार की ये खंभा फट गया, समझ गया भैया मेरे काल आ गया, लेकिन ये भी कोई साधारण नहीं। उसने भी प्रभु के साथ में घमासान लड़ाई की, लड़ते 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 जब शाम हो गया ना, देवता ने कहा प्रभु अभी और ज्यादा उसके साथ में लड़ाई मत करती हूँ, रात होने पर राक्षस का शक्ति बढ़ जाती है। जब ठीक शाम का समय हो गई, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ ले, उसको पकड़ करके दहेली के ऊपर में ले आ रही और जंघे को ऊपर रख करके जब मारने के लिए जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे को मार नहीं सकते क्यों। बोले मेरे पास में वरदान। बोले बता क्या क्या वरदान। बोले दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, मारो कैसे। बोले अच्छे आदमी ऊपर थे कि दिन में रात, वो था शाम का समय। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले घर में नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा। बोले देख तू दहेली के ऊपर में। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले आकाश में नहीं पृथ्वी के ऊपर नहीं, बोले तू मेरे जंघे के ऊपर में। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले किसी महीना में नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से याद कर ये मलमास है, ये अधिक महीना है। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले किसी अस्त्र से नहीं, किसी ब्रह्मा का किसी सिस्टम प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से देख ये ब्रह्मा का मैं बाप हूँ, ब्रह्मा मेरे सृष्टि नहीं की। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून को देख, देखते देखते एकदम फाड़ दिए गए और जितने नाड़ी बुरी थी ना ठाकुर जी सबके सब पहन लिए। बोले क्यों पहन लिए, उन्होंने पेट क्यों फाड़े। देखो भक्त लोग बड़ी अच्छी बात बताए। बोले इसकी औरत से ही ये प्रहलाद जन्म लिया। बोले जिसकी औरत से सिर्फ प्रहलाद जन्म लिए, कितने बड़े भक्त प्रहलाद है। हो सकता है इसका पेट में और दो चार में से भक्त निकल जाए, कि इसकी औरत से हुए है, इसलिए ठाकुर जी क्या किया उसको पेट को फाड़ दिए और उनके सिंहासन पर बैठ गए। इतने भयंकर रूप था, उनको सामने कोई भी टिक नहीं पाए। शंकर भी आए तो भाग गए, ब्रह्मा जी आए भाग गए। इतने में लक्ष्मी के पास में गए, बोले आज नहीं जा करके प्रभु को मनाओ। बोले प्रभु तो बड़े मीठे हैं, शांत आकारम भुजग शयनम, प्रभु बड़े मीठे हैं। इतने में लक्ष्मी आरती की थाला लेकर के आई,
नरसिंह भगवान ऐसे टेढ़ी नजर से देखे, हाँ जैसे टेढ़ी नजर से देखे, बोले हे भगवान ये रूप तो कभी अपन देखा नहीं, ये तो बड़ा भयंकर रूप है। आदि का थाली को फेंक कर लक्ष्मी भाग गई, बोले अभी क्या दिया जाए। श्री प्रहलाद के पास में गए, तेरे लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। जब प्रहलाद आए ना, भगवान क्रोध को पानी पानी फेर दिया, भगवान उसको गोद में बैठा कर चाटने लग गए। बोले प्रहलाद मेरे को आने में बहुत देर हो गया, मेरे अपराध को माफ कर लेना, देख मेरे डर से कोई आ नहीं पा रहे, तेरे को डर नहीं लग रहा है? प्रभु आप तो मेरे को बहुत प्यारे लगते हो। बोले शेर दूसरे के लिए शेर होता है, लेकिन बच्चे के लिए कभी शेर नहीं होता है, माँ है। बोले आप तो मेरे पिता माता हो, आपका रूप मेरे को बड़ी प्यारा लगता है। बोले प्रहलाद मेरे से वर मांगो, देखो अगर अगर बेटा तुम्हारी भक्त हो ना, इसका हृदय कितना बड़ा होता है, ये चीज को सीख लो। जिस पिता जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश की, जब ठाकुर जी बोले वर मांगो, क्या वर मांगता है? बोले मेरे पिताजी के अपराध को दूर कर दो, मेरे पिताजी को भक्ति प्रदान करो, चरण में भक्ति दो। भगवान कहते हैं बेटा तेरे पिता का नाम क्यों कहते हो? त्रिसप्तमी पिता पुत्र, तेरे तो 21 पुत्र हो गए। इसलिए कहते जनन बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा वसती सधन्या नितरि स्वर्गे वितरि पितरे सा जैसा मुकुल वैष्णव नाम गया। देखो घर में अगर एक भक्ति करने वाला बेटा जन्म हो तो उसको 21 पीढ़ी हो जाता है, और जो पूर्वज लोग पहले चले गए हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते, आओ भाग्य रे हमारे घर में भक्ति करने वाला बच्चा हुआ, इसी बार हमें मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई भक्ति नहीं करे ना, पूर्वज जो गाली देते हैं उल्लाघार से आते हैं, कोई भक्ति नहीं करता, हम सड़ रहे हैं यहाँ पर। बोले जननी जो माँ पिता माता उसको जन्म देते हैं, बच्चे से पहले पिता माता उद्धार हो जाते हैं। जिस पृथ्वी को ऊपर वो नृत्य करता है, उसका चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी को अपनी आप को धन्य मानती है। अगर एक बेटा तुम्हारे बच्चे में भक्ति अगर करने मिल जाए, कितने लाभ है। अगर इसी जगत में देखना, जैसे पिताजी का संपत्ति है, अगर पिताजी एक बेटे को थोड़ी सी ज्यादा और एक बेटे को थोड़ी सी कम दे दिया, देखना जिसको कम देगा ना, जब तक जिंदा रहेगा डोगरा डोगर को गाली देता रहेगा। ये हमें ऐसे कम संपत्ति देकर गई, जिंदगी भर उसका विरोधी करते रहेगा। लेकिन बेटा अगर भक्त हो ना, वो कभी ऐसे ही करता है, वो कभी ऐसे नहीं करेगा, बल्कि पिता माता के कल्याण सोचेगा। इसलिए बेटा जन्म दो तो भक्त बेटा ना, ठीक है ना? बेटा भक्त होने पर तो इतना लाभ है, अगर अभक्त हो गया, अगर प्रभु का भजन नहीं किया, पहले आपने बताया था ना, एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, लेकिन रो रहा है, बेहोश हो रहा है। बोले तू इतना पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, यहाँ दुखी और रो रहे क्यों? बोले एक समय से गलती हो गई, मेरे बच्चे को सदमार्ग नहीं दिखाया, तो मैंने पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं। चूंकि पैसा मैंने छोड़ करके आया था, उसका कर्म मेरे को यहाँ नहीं छोड़ रहा है, इसका पाप भी भोगना पड़ता है। देखो जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना भजन करो, बोले नहीं पैसा कमाना है ना, बच्चों के लिए भी तो पैसा रख करके जाओ। हमारे गुरुजी कहते थे बच्चों के लिए पैसा कमाने का जरूरत नहीं, बच्चा हो ना हार होगा तो कमा ही लेगा। और जो पिता जितने ज्यादा पैसा कमा करके जाता है, देखना उसका बच्चा उतना ही नालायक बनता है, उतना गलत रास्ता पर जाता है, है? उतना गलत रास्ता पर जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो असली धन है, भगवान की जो नाम धन है, ये चीज हमें कमा करके जानी चाहिए। इसलिए अभी श्री भगवान को आरती उतारे, ठाकुर जी चले गए। इसलिए श्री नारद जी कहते प्रहलाद तेरे जैसे जगत में कोई भगत नहीं, तू भगवान की सबसे भगत हो, कितने कम उम्र में भजन की। और प्रहलाद ने कहा प्रभु वर देना तो एक काम करो, ये ब्रह्मांड में जितने जीव इनको वैकुंठ में स्थान दे दो, और इनका जितना पाप को मेरे को दे दो। भगवान बोले तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, एक वैकुंठ को, एक प्लानेट को, एक पृथ्वी को मैं वैकुंठ स्थान दे दूंगा, है? इसलिए भगवान एक लोग को पूरा वैकुंठ लोग भेज दिए। इतने में नारद कहते प्रहलाद भगवान के सबसे प्यारे भगत तुम हो। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। इतने में प्रहलाद ने कहा मेरे को भक्त कह रहे हो, मेरे अंदर में तो भक्ति की भाव नहीं। देखो जिसको अंदर में जितने भक्ति आए ना, जैसे कि वृक्ष में जितने फल आएगा क्या होगा, वो वृक्ष अपने आप झूक जाती है,
मतलब मेरे को भगत कह रहे हो, मेरे अंदर भक्ति की भाव तक भी नहीं। भक्त देखोगे आप चले जाओ, अगर भक्त देखना तो श्री अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, देखो कैसे ही अम्बरीश जैसे भक्ति करता है। उन्होंने सीधा वीणा उठाए, पास आकाश में कीर्तन करते करते श्री अम्बरीश महाराज के पास में पहुंच गए। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Is a thing.